हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको उन तुर्किश ड्रामों के नाम बताने वाली हूँ जो कि साल 2022 के बेस्ट तुर्किश ड्रामे रहे हैं, और ये सारे ड्रामे हिंदी डब्ड हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है देन मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन आवर वीडियो। स्ट्रॉबेरी स्मेल, ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। ये स्टोरी है बुराक और असल की। दोनों ही अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। आगे दोनों ही एक दूसरे से पसंद करने लगते हैं, लेकिन आगे क्या होगा जब इनके रिलेशनशिप के बारे में इनकी फैमिली को पता चलेगा, जानने के लिए देखिए स्ट्रॉबेरी स्मेल। मरियम, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। ये स्टोरी है मरियम और सवाज की। एक रात मरियम की गाड़ी से एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उस लड़की की मौत हो जाती है, जिसके बाद उस लड़की का फियांसे सवाज मरियम से बदला लेना चाहता है। पर आगे क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि वो एक्सीडेंट मरियम ने नहीं बल्कि ओक्टाय ने किया था। माई लेफ्ट साइड, ये एक रोमांटिक तुर्किश ड्रामा है। ये स्टोरी है सरा और सलीम की। दोनों ही आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। सरा अपनी माँ के साथ रहती है और वो पार्ट टाइम क्लीनर की जॉब भी करती है। दूसरी तरफ सलीम एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा है और अपने कॉलेज में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। दोनों ही पहली मुलाकात में बहस करने लगते हैं कार पार्किंग को लेकर, और आगे जाकर दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जबकि दोनों अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। दोनों के पास ही ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से दोनों काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए माई लेफ्ट साइड। ये ड्रामा सीरीज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको www.turkishdrama.com पे विजिट करना होगा और वहां जाके आप ये ड्रामा सीरीज को देख सकते हैं। फुल मून, ये एक बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, और ये स्टोरी है नज़ल और फ़रीद की। नज़ली जो कि गैस्ट्रोनॉमी की स्टडी कर रही है और वो एक स्किल शेफ बनना चाहती है। आगे उसकी ज़िंदगी में नया मोड़ आता है जब उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिलती है एक बिजनेसमैन फरीब के घर में। आगे फरीम नज़ली को पसंद करने लगता है, मगर उसे एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो क्या लगता है आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए फुल मून। द रिवेंज, ये कहानी है लैला और जैनब की। दोनों ही पक्की दोस्त थी, लेकिन एक दर्दनाक हादसे में दोनों बिछड़ गए और अलग अलग रास्ते पे निकल गए और अलग शहर में पुलिस बन गए। बहुत सालों के बाद दोनों फिर से एक कत्ल के मामले में मिलती है जिससे पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। लैला एक पुलिस कैप्टन है और जिहान का पीछा कर रही है जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। वहीं जैनब को जिसने रेप किया था वो अपने बिल से बाहर आ चुका है और अब वो उससे बदला लेना चाहती है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए द रिवेंज। इश्क, अज़रा जो कि कैरिम से प्यार करती है और शादी करना चाहती है, लेकिन अज़रा की मदर ये बिल्कुल नहीं चाहती और अज़रा को कैरिम से रिश्ता ख़त्म करने को कहती है, जिसकी वजह से अज़रा कैरिम से छुपकर मिलने लगती है। पर दोनों की लाइफ चेंज हो जाती है जब शबनम की एंट्री होती है जो काफ़ी ज़्यादा रिच है। शबनम कैरिम को पसंद करने लगती है। अज़रा को ये पता चलता है कि शबनम को एक सीरियस बीमारी है और वो सिर्फ 6 महीने जिंदा रह पाएगी, जिसके बाद अज़रा कैरिम को शबनम से शादी करने को कहती है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर पाए। लेकिन आगे क्या होगा जब शबनम को ये सच्चाई पता चलेगी जानने के लिए देखिए इश्क। डियर पास्ट, ये कहानी है तीन बहनों की, सानिया, जैनब और सनम, जो एक दूसरे के बारे में नहीं जानती। एक दिन सनम को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो एडॉप्टेड है और उसकी दो बहनें भी हैं, जिसके बाद सनम जैनब और सानिया को लेटर लिखती है कि वो दोनों उसकी शादी पर आए। और आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए डियर पास्ट। ब्लैक पुल, हैज़ल और कैनन एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दिन वो वादा करते हैं कि चाहे जो हो जाए वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन वोरल के आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। वोरल किसी भी हालत में हैज़ल को पाना चाहता है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए ब्लैक पर्ल। लव फॉर रेंट, ये एक रोमांटिक तुर्किश ड्रामा है और ये कहानी है उमर और डेफने की। डेफने अपने भाई की वजह से बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूबी होती है और वो वेट्रेस की जॉब करती है। वहीं दूसरी तरफ उमर एक अमीर बिजनेसमैन है। दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है और आगे जाकर उमर की आंटी चाहती है कि डेफने उमर के साथ प्यार का नाटक करे 6 मंथ के लिए और झूठी शादी भी करे ताकि वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। पर क्या ये सच में पॉसिबल होगा जानने के लिए देखिए लव फॉर रेंट।
एक्सीडेंटल लव ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है और ये कहानी है जीवान और श्रीमाल की। जीवान जो कि एक प्ले बॉय है जिसके पिता की ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और श्रीमाल अपने पिता की मर्जी के खिलाफ इस्तांबुल पढ़ाई के लिए जाती है, मगर यहाँ श्रीमाल को किनार से प्यार हो जाता है। दोनों इंगेजमेंट भी कर लेते हैं लेकिन आगे जाकर किनार श्रीमाल से शादी करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद श्रीमाल बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ जीवान भी नजरी से शादी कर चुका है जो प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है, और जब ये बात जीवान को पता चलती है कि नजरी प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है तो वो उसे डिवोर्स दे देता है। जीवान और श्रीमाल जब गुस्से में कहीं जा रहे होते हैं तो दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और आगे एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जीवान और श्रीमाल की फैमिली के बीच। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए एक्सीडेंटल लव। हर जाए ये एक बेहतरीन रोमांटिक तुर्किश ड्रामा है और ये कहानी है मिरान और रिहान की। मिरान अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहता है जिसकी वजह से रिहान से प्यार का नाटक करता है जो सोतुले की बेटी है, और आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए हर जाए। जालिम इस्तांबुल शहर जो इस्तांबुल में अपने तीन बच्चों के साथ रहती है और खुद ही तीनों बच्चों की परवरिश कर रही है, लेकिन अचानक शहर आगा से मिलती है जो सबकी लाइफ को इफेक्ट करता है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए जालिम इस्तांबुल। डे ड्रीमर ये एक मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको मिस्टर जान और सनम की क्यूट केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। ये स्टोरी में आप देखेंगे कि सनम जिसकी फैमिली उसे एक अच्छी जॉब करने को कहती है या फिर मोहल्ले के एक लड़के से शादी कर ले, जिसके बाद सनम को उसकी बहन के ऑफिस में जॉब मिल जाती है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए डे ड्रीमर। स्टिल आई हैव होप उम्मीद जो अपनी माँ भाई स्टेप फादर और स्टेप फादर के बच्चों के साथ एक मोहल्ले में रहती है। उम्मीद एक पार्लर में जॉब करती है और नॉर्मल लाइफ जी रही है, लेकिन क्या होगा जब ओजान की एंट्री होगी उसके लाइफ में जानने के लिए देखिए स्टिल आई हैव होप। हाई सोसाइटी ये एक रोमांटिक ड्रामा है और ये स्टोरी है करीम और जानसू की। करीम एक यंग और हार्ड वर्किंग लड़का है जो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वही जानसू काफ़ी ज़्यादा अमीर है लेकिन उसकी फैमिली उससे प्यार नहीं करती क्योंकि वो उन्हें अनलकी मानते हैं। आगे क्या होगा जब करीम की मुलाकात होगी जानसू से जानने के लिए देखिए हाई सोसाइटी। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।